बिहार में अब खेल युवाओं को देगा नई उड़ान। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर आज जो विधेयक विधानमंडल में लाया गया था, दोनों ही सदनों में उसे सहसहमति से पारित किया गया। बहरहाल इसको लेकर जो तमाम अटकलें थी, उन तमाम सवालों के जो जवाब थे सदन के अंदर मंत्री ने दिया। बहरहाल बात की जाए तो स्पोर्ट्स में जब भी कोई रुचि रखते हैं तो भविष्य की बात की जाती है कि आखिर भविष्य कैसा होगा। बहरहाल इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहा है आज खेल मंत्री आलोक रंजन झा ने, आप वो सुने कि कैस किस तरीके की श्योरिटी रहेगी आने वाले समय में, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी रहेगा वो किस तरीके से काम करेगा। बात की जाए तो जो गुणवत्ता रही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर, उन तमाम पहलुओं पर उन्होंने अपने बात को रखा है। विपक्ष जो बात कह रहे हैं ना, विपक्ष 15 साल तो विपक्ष की भी सरकार जो आज बोल रहे हैं वो उनकी सरकार थी। वो अपने 15 साल के कार्यों को देखें जो वो खेल में क्या किए हैं। लेकिन हम तो खेल के क्षेत्र में जब से हमारी सरकार बनी है कई सारी योजनाएं हम लाए हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम प्रत्येक वर्ष 125 करोड़ रुपया जो है उसको प्रोत्साहन राशि में देते हैं। हम एकलव्य सेंटर खोल रहे हैं खेल में बच्चे को प्रशिक्षण के लिए। स्टेडियम के बुरा हाल हम पर भी उन्होंने स्टेडियम भी नया स्टेडियम बना रहे हैं। अपने मोइनुल हक स्टेडियम को भी हम लोग पुनर्द्धार करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। अब विपक्ष कह रहे हैं, विपक्ष को आज के दिन स्वागत करना चाहिए कि बिहार में जैसा राज 6ठा राज्य बनने जा रहा है खेल विश्वविद्यालय के क्षेत्र में। और जब खेल का विश्वविद्यालय होगा, नए नए शिक्षा उसमें खेल का प्रशिक्षण होगा, शिक्षा होगा, खेल प्रौद्योगिकी होगा, खेल विज्ञान होगा, खेल प्रशासन होगा, नए नए शोध होंगे। यह अवसर किसको मिलेगा, इसका लाभ किसको मिलेगा? बिहार के खिलाड़ियों को मिलेगा जो आज के दिन उसको बाहर जाना पड़ता था, जिस कारण से हम आप कह सकते हैं, कह देते हैं कि भाई ये बिहार का खिलाड़ी, लेकिन इसका दूसरे राज्यों से इसको इसका नाम होता है। तो हमको कल के दिन हमारे यहाँ जब सारी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगी तो कल के दिन यह बिहार के लिए होगा। तो ये निश्चित रूप से आज के दिन आज पक्ष विपक्ष नहीं देखना चाहिए था, आज का दिन को विपक्ष को स्वागत करना चाहिए कि ये हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा कार्य योजना ला रहे हैं बिहार को में खेल विश्वविद्यालय खोल करके। ये बहुत बड़ी बात। श्योरिटी क्या रहेगी फ्यूचर में खिलाड़ियों की, क्योंकि बहुत एक शॉर्ट पीरियड रहता है उनके गेम के टेन्योर का? नहीं देखिए, श्योरिटी क्या, जब खेल हमारे यहाँ खेल का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार रहेगा तो हमारे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का मौका मिलेगा। तो निश्चित रूप से उससे बिहार के खिलाड़ी आगे जाएंगे और आने वाले समय में जो बिहार में हम लोग जो खेल खिलाड़ी के लिए कई सारी नौकरियों का भी हम लोग प्रबंध किए हैं, तो इसका भी लाभ यदि उससे जो खिलाड़ी निकलेंगे उसका भी लाभ उस खिलाड़ियों को मिलेगा।